हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने वाली थी राजस्थान में। टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आने वाली थी राजस्थान में, कितनी पोस्टें थी टोटल 6,000। उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, उसके बाद ना ही तो उनके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो इसका मतलब ये भर्ती गई काम पे। तो अब हम बात करेंगे मुद्दे की। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बेरोजगार छात्र हैं आईटीआई के राजस्थान के, जिन्होंने मिलकर 1 मार्च को, यानी 1 मार्च को, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कौन सी जगह पे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहाँ से वो ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम वगैरह को। तो जिससे कि हो सकता है आपकी ये जो बड़ी वैकेंसी है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की आस के, तो उसके लिए हम सबको मदद करनी होगी। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है ताकि हर कैंडिडेट को पता चल सके, यानी जितनी ज़्यादा मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतने कैंडिडेट्स को शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूँगा इस भर्ती के लिए। यानी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती 6,000 पोस्टें थी जो कि आईटीआई बेस पर है। ये तो आप सभी को पता होगा, ये जेवीवीएनएल या जेडीवीवीएनएल या एवीवीएनएल, यानी तीनों विभागों के अंदर मान लीजिए। तो इसके अंदर 6,000 पोस्टें अभी तक जारी नहीं हुई है, इस नोटिफिकेशन की बात होगी 3-4 महीने और उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा शायद। तो अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहल की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया जाए राजस्थान सरकार को, या जो बिजली के अध्यक्ष है जो कि वैकेंसियाँ निकालते हैं टेक्निकल हेल्पर की, या जो जेडीवीएनएल या जेवीएनएल के प्रमुख है, उन सभी को हैशटैग लगाकर, यानी उनकी आईडियों को ट्वीट किया गया है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस गवर्नमेंट जॉब को निकाला जाए, ताकि बहुत सारे जो छात्र होंगे आईटीआई के, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है और कई साल से पीछे पीछे भटक रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, तो उनका भी सपना पूरा हो। तो वो तो किस्मत की बात है कितने कैंडिडेट्स नौकरी ले पाते हैं, लेकिन एक वैकेंसी आ जाती है तो उससे तसल्ली तो मिल जाती है हर स्टूडेंट को। अगर वैकेंसी का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वैकेंसी आपने निकाली ही नहीं, तो इससे क्या होगा, जो छात्र होंगे उनका हौसला भी टूटता है, जिससे कि वो आगे तैयारी करने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आप सभी को पता होगा बहुत सारे क्लासेस जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्होंने बेंच भी स्टार्ट कर दिए थे आज से चाचा 5-5 महीने पहले, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिन्होंने रुपए भी ऐंठ लिए, इसका मतलब वैकेंसियां आ नहीं रही है, तो वो एग्ज़ाम किसका दे और कहाँ से वो सिलेक्शन करवाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से बेरोजगार, ऊपर से ये भी उनको नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर ली अच्छे, अपने पैसे भी लगा दिए, तो इसका मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पा रही है, ना ही वैकेंसी आ रही है, मिलेगी कैसे। तो उसके लिए दोस्तों ये एक मैसेज है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस जिसको वीडियो अच्छा लगे वो तो लाइक कर देना, जिसको अच्छा नहीं लगे वो डिसलाइक ज़रूर करेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो दोस्तों इस मैसेज को देख लीजिए, आईटीआई छात्रों से निवेदन है कि आपके भविष्य के लिए आपको एक साथ जागरूक होकर सरकार की ओर एक बुलंद आवाज़ उठानी होगी, जिसमें हमारी मांग है कि विद्युत विभाग में भर्ती का विज्ञापन कम से कम 6,000 टेक्निकल हेल्पर के पदों के लिए विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए और बाहरी राज्य के कोटों को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लिखी हुई, क्योंकि जो जैसे मान लो यूपी को जो विभाग है, या यूपीपीसीएल है, या अदरवाइज कोई विभाग होते हैं दूसरे स्टेट के, तो उनके अंदर कोटा होता है दूसरे स्टेट वालों का। जैसे मान लो यूपी में वैकेंसी आ गई, तो उसमें 95% यूपी के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और 5% आउटसाइडर हो सकते हैं, यानी अदर 5% अदर स्टेट के हो सकते हैं। इसी टाइप से राजस्थान की वैकेंसी में भी करना होगा। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे मान लो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई थी, उसमें से लगभग 30 से 32% बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स को नौकरी मिली थी, और राजस्थान के जो स्टूडेंट थे वो थे सिर्फ 70, यानी 68 से 70%। तो इसका मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है राजस्थानी इन भर्तियों के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे करना होगा आपको कोटा, यानी 5% कोटा रख दीजिए, या तो जिससे क्या होगा, 100 कैंडिडेट्स नौकरी लेंगे, उनमें से 95 राजस्थान के होंगे और 5 बाहर के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो या बिहार के हो। तो ये सबसे अच्छी मांग है, इसके लिए मैं भी सहमत हूँ। तो आगे देखते हैं इस मैसेज को पढ़कर क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसके लिए सभी आईटीआई छात्रों की दिनांक 1 मार्च 2020 को नेहरू गार्डन में दिन में 10 बजे मीटिंग रखी गई है। तो आपको कहाँ पे पहुँचना है, 1 मार्च 2020 को नेहरू गार्डन में, और
10 बजे मीटिंग रखी गई है जिसमें विचार विमर्श करके एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और आप सभी आईटीआई छात्र अपना जरूरी काम को छोड़कर नेहरू गार्डन में पधारने की कृपा करें और इस मैसेज को अधिक से अधिक फैलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी आम टेक्निकल स्टूडेंट, यानी सभी विद्यार्थियों के द्वारा लिखा गया है, या आप खुद ही मान लीजिए जो वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब सोच लीजिए भी आपने ही लिखा है ये, यानी आपको ही फायदा होगा इससे। तो इनका संपर्क सूत्र भी दे रखा है, यानी ये जयपुर में होने वाला है प्रोग्राम। और ये देखिए संपर्क सूत्र जेएन एकेडमी वालों का दे रखा है, यहाँ पे श्रीराम कोचिंग क्लासेस है उनका भी दे रखा है, तो आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास पहुँचे, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और जो बाहरी स्टेट वाले हैं उनको भी 5% कोटे के अंदर फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आए? तो आए तो हम सबका फ़ायदा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी, उनका भी परिवार अच्छे से चल पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा, हमारा साथ।